हेलो गाइस, वेलकम टू द जंगल। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे बनाया जाता है पेड़ के ट्रंक के अंदर घर, वो भी जंगल के बीचों बीच विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स। तो यहाँ पे ये बंदे ने बातें करते करते होल भी बन गया। भाई कितना बड़ा होल बना है ये। ये चीज़ गाइज मैंने सेम डोरेमोन में देखी थी और मैंने छोटा भीम में भी देखी है। यू नो वो चोर वाला एपिसोड जहाँ पे वो चोर आता है, चोरी करता है और वो पेड़ के अंदर रहता है और वहाँ से बोलता है मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा। एंड डोरेमोन में भी ऐसा ही था, उन्होंने यू नो पेड़ के नीचे ऐसा हाउस बनाया था। तो मेरा सपना पूरा हो गया यार रियल लाइफ में देखने का। तो दोनों तरफ से होल बना दिया, आई डोंट नो व्हाई। और इसके अंदर बहुत सारी चींटियां है एंड वहाँ पे बहुत सारे होल्स है। ट्रैपोफोबिया ट्रिगर हो रहा है मेरा, मतलब ये चींटियों का घर है। ओके ओके ओके। और उसके ऊपर ओके ऑब्वियसली मतलब ट्री के नीचे चींटियों का घर था और उसके अंदर मतलब चींटियों का घर तोड़ के अपना घर बना रहा है। भाई ये तो बड़ा जालिम आदमी है। बट ओके हो गया, मतलब जो भी है वो गेट तो बन गया अंदर जाने का। एंड अभी दूसरा अभी लकड़ियाँ क्यों ला रहा है। ओके आई थिंक वहाँ से एंट्रेंस होगा और पीछे की तरफ पूरा हाउस बनेगा। ओके ओके नाउ आई गॉट इट। तो अभी ये बैम्बूज लेके आ गया कहाँ से पता नहीं। एंड अभी बैम्बूज को तोड़ने का बार भी है, सारे बैम्बूज टूटेंगे एंड उनसे बनेगा अपना बढ़िया सा घर। और मेजरमेंट के लिए उसने ऑलरेडी एक बड़े से लकड़ी तोड़ रखी है। दोपहर के आई थिंक 3 बज रहे मेरे हिसाब से और अभी इसने घर बनाना शुरू कर दिया है, मतलब यू नो वो जमीन के अंदर खूंटे लगा के। इसको हमारे यहाँ पे खूंटे बोलते हैं। और रस्सी क्यों बांध दी इसने, वाओ दो लकड़ियों के बीच में इसने रस्सी बांधी है। एकदम लेवलिंग के लिए भाई ने सिविल इंजीनियरिंग करी है, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम यू नो जंगल। एंड और भी लकड़ियाँ ला रहे हैं वो, आई डोंट नो व्हाई। मे बी यहाँ पे बेड बनेगा, डेफिनेटली ये बेड ही है, मैंने बोला था ना गाइज इसने बेड बनाया है वो। एंड अभी बड़ी लकड़ियाँ दूसरी तरफ आई थिंक अभी ये छत के लिए है। सो सबसे पहले ऑब्वियसली बेड बनाना जरूरी है अगर अपने माइनक्राफ्ट के लिए। फर्स्ट थिंग सेट अप बेड और वहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करो। बट रियल लाइफ में हम लोग रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं कर सकते, अगर एक बार मर गए तो खत्म। काश ऐसा होता ना, मतलब अगर मैं इनकेस कहीं पे जाके मरता तो फिर रिस्पॉन हो जाता मैं मेरे बेड पे। बट वो चीज़ें ओनली गेम्स के अंदर होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो अभी ये आई थिंक चेयर बना। भाई वो चेयर बन गई, चेयर ही है ना, मानना पड़ेगा। भाई ने आई थिंक भाई को आई थिंक कुछ ज़्यादा ही उन्हों ये पसंद है, क्या बोलते हैं फर्नीचर। अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़, ये मिट्टी लेके जा रहा है बेड के अंदर। ऑब्वियसली बेड पूरा ऐसा भरा होना चाहिए अंदर से, वैसे नीचे मिट्टी डालेगा और ऊपर थोड़े से पत्ते वगैरह डाल दे तो भी चल जाएगा। एंड भाई ने सारी मिट्टी भर दी बेड के अंदर और चेयर के अंदर, उसके अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा ये डाल दिया पत्ते वगैरह, नहीं तो ये बहुत टोचना रहती खाली, मतलब इन्हें चुभेगा नीचे से। और अभी ये सीमेंट लेके आ रहा है, आई थिंक ये क्ले है, क्ले लेके मे बी अभी फ्लोर बनाएगा आई थिंक, लेट्स सी क्या होता है। अभी ये बेड के ऊपर डिजाइन बना रहा है, तो वो जो क्ले लेके आया था आई थिंक वो काइंड ऑफ सीमेंट था। एंड ये डिजाइन बना रहा है बेड के ऊपर, एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए। आई थिंक राजा महाराजाओं के ज़माने में ऐसे होता था बेड वगैरह, यू नो तब तो भाई हम यू नो मैट्रेस वगैरह नहीं होते थे अभी जैसे बनते, तो तब आई थिंक ऐसे बनाते थे डिज़ाइन। एंड इसके ऊपर कुशन के लिए मैं भी वो पत्ते वगैरह लेके आएगा। बट ये सीमेंट सीमेंट का बेड बेड बना है तो आप इसके ऊपर कूद नहीं सकते, जो यू नो कुछ लोगों को आदत होती है बेड पर जाके ऐसा जंप करने का, तो नहीं हो पाएगा, हड्डी टूट जाएगी। वाओ भाई क्या डिज़ाइन बनाया है गाइज, आई स्वेयर मैं ना ये चीज़ पेंटिंग में भी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। भाई ने रियल लाइफ में बनाया है। और मेरे को चेयर सबसे बढ़िया लगी, एकदम यू नो सोफा की तरह लग रहा है। एंड भी वापस ये जंगल के अंदर चला गया, अभी लकड़ियाँ ला रहा है वो, काफ़ी बड़ा लकड़ा है तो भाई कितनी सारी, और वो भी बड़े बड़े लकड़े, ये इसको लकड़ी नहीं लकड़े बोलेंगे हम लोग क्योंकि बड़े लकड़े है। एंड अभी आई थिंक ये मेजरमेंट ले रहा है, डेफिनेटली गाइस इससे छत बनने वाली है क्योंकि इतने बड़े लकड़े से तो कोई बेड वगैरह नहीं बनने वाला है। अभी देखो वापस मेजरमेंट ले रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जंगल वहाँ से उन्होंने सीखा है, बट वही सबसे बढ़िया सिखाता है। ठीक है, इसने भी यहाँ पे लकड़ियाँ लगाना शुरू कर दिया और मेरे को लगा था यार एक ही लगेगा चारों तरफ चारों कोनों में एक लकड़ी, बट नहीं ये लकड़ियों से पूरी वॉल बना रहा है। हाँ ये तो फिर वुडन लॉग वाला हाउस हो गया, माइनक्राफ्ट में यू नो ऐसे ही बिल्ड करता था। मेरे को 4 मिनट लगते थे इधर, तो भाई मेरे को 4 साल लग जाएंगे ये अगर 4 महीने में बिल्ड कर रहे तो। एंड अभी ऊपर से एक बड़ी लकड़ी डाली है, ऑब्वियसली वो लकड़ियों को बांधने के लिए, नहीं तो सोते सोते आपका सत्य हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों तरफ की भाई वॉल्स बना दी। वाओ इट्स लुकिंग सो नाइस गाइस, एकदम बेड सब, तो सबसे पहले
मैं अगर होता ना तो मैं हाउस बनाता और फिर बेड बनाता, बट बेड बनाने में प्रॉब्लम आती है। बट भाई बहुत स्मार्ट है, सबसे पहले बेड बनाया, मेजरमेंट लेके एंड देन घर बनाया। भाई नेक्स्ट लेवल। और अभी ऊपर से बैम्बूज से छत बनेगी ऑब्वियसली। अब ये जंगल में वापस चला गया है, क्या कर रहा है? आई थिंक पत्तियाँ ला रहा है ऑब्वियसली, बेड के ऊपर रखने के लिए और छत को कवर करने के लिए पत्तियाँ चाहिए होंगी, तो ये पत्तियाँ इसने तोड़ दी। सब कुछ नेचर से ही ले रहा है, वहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अगर आप खुद बना रहे हो तो। ये देख के मे भी कुछ लोग ट्राई भी करेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी खतरनाक काम, कोई भी नहीं कर सकता इसको। अभी पेड़ से ऊपर चढ़ गया ये एंड ऊपर पत्ते डाल देगा। ऑब्वियसली अगर बारिश होती है तो पानी में से अंदर तो आ ही जाएगा, बट थोड़ा बहुत कम आएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बट ज़्यादा बारिश होगी तो पूरा सब कुछ भीग जाएगा, ऊपर से प्लास्टिक ही डालना पड़ेगा। एंड अभी वापस जंगल में जा रहा है आई थिंक, और क्या लाया इसने, लकड़ी या पत्थर? पानी नहीं आएगा नीचे। मैं वही सोच रहा था, और भाई ने क्ले डाल दिया ऊपर, तो ऑब्वियसली पानी पेनेट्रेट नीचे होगा ही नहीं, क्ले से नीचे गिरेगा और पत्तियां भी। वाव, सब कुछ कवर कर दिया भाई। एंड अभी और क्या कर रहा है ये, और थोड़ी सी और क्ले ला के लेके आ रहा है या? ओके हाँ ओके, ग्रास ग्रास जो हमारे लॉन में होती है वो वाली ग्रास, तो ऑब्वियसली ऊपर से भी फिर ऐसा एकदम नेचुरल नेचुरल लगे। आई लव दिस गाइस यार, भाई एकदम रियल लग रहा है, एकदम रियल। आप यहाँ पे खेल भी सकते हो, किसको अगर गोल्फ वगैरह पसंद है, यू कैन यू नो प्ले गोल्फ एंड हैव सम ड्रिंक्स ओवर हियर एंड यू कैन वॉच डोरेमोन। सो फाइनली ऊपर की छत कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आई थिंक घर के सामने ग्रास लगा रही है, ऑब्वियसली घर के सामने भी थोड़ा सा लॉन होना चाहिए। ये वापस जंगल में आ गया है पता नहीं क्यों। और भाई नीचे गिर गया, भाई जरा आराम से काम करिए भाई, और देखते हैं अभी क्या लेने के लिए आया था। और यहाँ पे दलदल लग रहा है भाई, यहाँ से आई थिंक लेके जाएगा या मछली, आई डोंट नो। अबे 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 खतरनाक मछली लग रही है गाइस, अबे कुछ भी हो सकता है, मगरमच्छ वगैरह अंदर, भाई हाथ से मछली पकड़ रहा है। यही होता है जब आप यू नो कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ जंगल से पढ़ाई करते हो, आप हाथ से मछली पकड़ोगे। एंड वापस भाई आ गया अपने ट्री हाउस पे, आई मीन अपना यू नो छोटे से ट्री हाउस नहीं बोलेंगे, जंगल हाउस पे। एंड वो अपने साथ ये लेके आया है, आई मीन थोड़ा सा एस्थेटिक लुक लाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको वाइन्स, हाँ वाइन्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट वाइन्स होती है ये, मतलब थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने के लिए घर को। एंड अभी वापस जा रहा है ये पता नहीं क्यों, पानी लाने के लिए या आई थिंक मछली। अभी इस बार गाइस मछली पकड़ ही लेगा भाई मछली पकड़ने आया है। रात होगी आई थिंक यहाँ पे, अचानक से रात कैसे होगी, ओके आई थिंक ये नाइट व्यू है, तो अभी यहाँ पे ये पानी निकाल के दूसरी तरफ फेंक रहा है और उसको मच्छर भी काट रहा है। भाई मैं तो ना इधर खलास हो जाता है, आई मीन इतना अंधेरा है, डर लग रहा है भाई देखी। मैंने भी ये कहा पता नहीं कहाँ से आग लेके आ गया भाई, रात में भी काम कर रहा है। ओके तो उसने वहाँ पे मशाल लगा दी और अभी पानी ये दूसरी तरफ डाले जा रहा है क्योंकि उसको ये खाली करना है। पानी निकालते निकालते गाइस सुबह हो चुकी है और वो आग बुझा रहा है। ओके ठीक है, भाई ने आग बुझा दी और मछली दिख गई भाई को, तो मछली पकड़ने के लिए पानी निकाल रहा था। अरे अरे निकल गया, मछली दिख रही है, अभी भी क्यों निकाल रहा है पानी वो देखो, मतलब एक मछली के लिए भाई ने सारा का सारा पानी दूसरी तरफ फेंक दिया। एंड फाइनली भाई को मछली मिल चुकी है। अभी यहाँ पे आई थिंक ये कैंप फायर जला रहा है, कैंप फायर जल गई एंड इसके अंदर आई थिंक मछली पक गई। ये देखो मछली भी है, काफी बड़ी मछली लिख के आया है भाई। ये हमारे घर के अंदर का व्यू है यार, अंदर से आई मीन बढ़िया लग रहा है, आई मीन सीरियसली यार ऐसा ड्रीम जैसा लग रहा है। मेरा हमेशा से सपना यार ऐसा ही घर बनाने का, मैं जरूर बनाएगा एक दिन ऐसा घर। एंड अभी आई थिंक ये टेबल बना रहा है भाई, भाई साहब ऑब्वियसली अगर सोफा है तो टेबल तो चाहिए ही इसके ऊपर ड्रिंक वगैरह रखने के लिए। थोड़ा सा ओके लेवल अप कर दिया इसने एंड इसके ऊपर पत्तियाँ डाल दी है। अभी आई थिंक मछली लेके आएगा और इसी के ऊपर मछली हम लोग खाएंगे। मछली पक चुकी है पूरी तरीके से, वेरी नाइस। ओके उसको घुमा के रख दिया, थोड़ी सी अभी पकी नहीं है, थोड़ा वेट करो गाइस, सब्र का फल मीठा होता है। देन और पत्तियाँ लेके आ रहा है, ये पत्तियों से कर क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई थिंक अभी ये बेड के ऊपर रखेगा पत्तियाँ आई फील। ओके मछली पक गई, अभी मछली और वो पत्ती लेके अंदर जा रहा है। वैसे अंदर जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज ऑब्वियसली छोटा सा स्पेस है एंड
ओके, तो एज अ प्लेट वो पत्तियों को यूज कर रहा है, हाँ मतलब वो नीचे ना गिरे, और जो वो दूसरी पत्तियां लेके आया आई थिंक वो पत्तियां खाने की है, उनको आप नॉर्मली खा सकते हो। तो अभी भाई मछली खा रहा है इतनी मेहनत करके, इट्स डिलीशियस। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन रिस्क। ये मछली खत्म हो गई एंड आज का वीडियो भी यही पे एंड करते हैं। क्या आप लोग इस घर के अंदर रहना पसंद करोगे, मेरे को नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। भाई आई थिंक सो जाएगा, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।